रोमानवी अमारात हैं, बड़ी गलतियां करने वाले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब आ जाते हैं कि ये जो हफ्ता है 13 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जो रहेगा वो कैसा गुजरेगा मुख्तलिफ प्लैनेट्स का, और आगाज करते हैं एरीज से, हमली हजरात से। तो आज या कल मरीख जो है वो बुर्ज में दाखिल हो रहा है जो कि सजिटेरियस में। अच्छा, तो सजिटेरियस में मरीख के दाखिल होने से ऐसा लगता है कि इन लोगों में मज़हब से दिलचस्पी बढ़ जाएगी। अच्छा, और कारोबारी तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा वो करेंगे। अगर कानूनी मामलात हैं तो कानूनी मामलात को हल करने के लिए भी बड़ी अब कोशिश की जाएगी। अच्छा, तबीयत में तेज़ी आ रही है और उनको इस तेज़ी से, ये वैसे ही तेज़ लोग हैं, वैसे ही आम हालात में भी ये तेज़ हैं, ऊपर से प्लानट एक ऐसा आ गया है इनके नामे खाने में, तो इनके जहन में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। सोच समझ कर ठंडे दिल से अपने मामलात को हल करें। ये जो पिछले 4-5 हफ्तों से पैसा निकला है इनका, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा निकल गया है और दबाव पड़ गया, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब अखराजात से वास्ता नहीं पड़ेगा और एक तब्दीली आ जाएगी जी। और रोमांटिक लाइफ, रोमांस, रोमांटिक लाइफ में इनको बड़ा जो आगे सितारे आ रहे हैं वो इनको इस बात की निशानदेही हो रही है कि इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जो कदम उठ चुके हैं अगर ये वापस ले सकते हैं उन इकदाम को तो वापस ले लें। आगे जो प्लैनेट है वो जो प्लैनेट होता है रोमांस का जिसे जोरा कहते हैं, वो प्लूटो से मिल रहा है और 3 मार्च तक मिलेगा। इससे क्या मतलब? इसके यही असरात हैं कि लोगों को रोमानवी अमारात हैं बड़ी गलतियाँ करने वाले हैं। अच्छा, और उनको ये समझाना पड़ेगा कि अपनी सूरत हाल को संभालें। अगर उनको समझ आ चुकी है तो अब भी दिमाग से काम लें वरना आगे चलकर ख़राब होंगे। आए दिन उनको कुछ ना कुछ पता चलता है, कोई राज आउट होने वाला है, वो इनकी समझ में आ जाएगी बात, जो भी हमली अफराद हैं। तो रोमानवी तौर पर तो अब असल मामला तो अब शुरू हुआ है। या तो ये होश में आ जाएंगे या फिर इतनी बड़ी गलती कर बैठेंगे जो बाद में इनके लिए बड़ी परेशानी का बास बन जाएगी। तो इनको बड़े गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए और अपनी तबीयत की तेज़ी को कंट्रोल करें। बहरहाल एक वाजह बात नज़र आती है कि इनके रोमानी मामलात में गड़बड़ हो चुकी है, ये समझने की कोशिश करें और अपने आप को संभालें। और इस सिलसिले में सवाल सर, हेल्थ, हमल, हेल्थ ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। हेल्थ इनसे डरती है, ये इतनी इनमें तवानाई है कि हेल्थ खुद घबराती है कि ये आदमी कौन सा आ रहा है, कितने फंस गई है मैं। हेल्थ ये कहती है मैं कितने फंस गई। वेल सो दिस इज हाउ इट इज। अब आगे चल सकता हूँ मैं जी। टॉरस, सॉरी हजरात। हाँ जी, टॉरस हजरात का सर ये है कि उन पर पैसे का बहुत ज़्यादा अखराज से इनका बहुत बड़ा वास्ता पड़ा हुआ था पिछले 4-5 हफ्तों से। अब वो सूरत हाल इनकी तब्दील हो जाएगी और इस तरह तब्दील होने से अगर इन्होंने एहतियात न की तो मज़ीद अखराजात से वास्ता पड़ सकता है और फिर बहुत ज़्यादा पैसा निकल जाएगा। और ये प्लैनेट जो है ये 5 हफ्ते के लिए आए हुए हैं, तो 5 हफ्तों में पैसा निकलते निकलते बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। इनको बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जहाँ तक इनके तल्लक है उसका अपना रोमानी मामलात बड़े अहम होते हैं ये। साहब आप जरा तवज्जो से बात किया करें इन मामलात पर। लोग मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, कहते हैं यार आप सवाल नहीं कर रहे रोमांस के हवाले से। तो सॉरी हजरात, जहाँ तक रोमानवी तल्लक है आप उस रोमानवी तल्लक को आपको ज़रूरत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अच्छा, जितना आपको जाना चाहिए आप उससे कहीं आगे निकल गए हैं। ओलंपिक प्राइज़ अगर लेना है तो फिर तो ठीक है, आप आगे निकल गए हैं सबसे। लेकिन अगर रोमांस का मामला आता है तो अपने आप को समझाएं, बाद में आप परेशान होंगे। तो अपने आप देखिए कि मेरी सूरत हाल है क्या, कितना इम्कानात हैं, कितने मुझे होना चाहिए एक्टिव, उस तरह चलें। अब मैं आ रहा हूँ आगे जोजा की तरफ। अच्छा, इनकी ज़रा हेल्थ का बता देना। सॉरी हजरात जी, हेल्थ नॉर्मल। और दौलत, पैसा,
पैसा भी ना ज़्यादा ना कम, जो पुरानी जो रूटीन चली आ रही है उसी पे चलेगा। मुमकिन थोड़ा सा बेहतर हो जाए। कोई ट्रैवल तो नहीं है इनका जी? कोई ट्रैवल के चांसेस? ट्रैवल के चांसेस इतने नहीं हैं जितने के इस बात के चांसेस हैं। ये पैसे को उड़ाए ना, ये आ रहा है मामला कि पैसे को उड़ाएंगे ज़रूर ज़्यादा खर्च करेंगे। जेमिनी जोजा, जेमिनी की जो मेन फैक्टर है सामने आ रहा है अगले 5 हफ्तों में, इन लोगों के लिए प्रपोजल जो है वो ज़्यादा अमकान है। अच्छा माशाल्लाह, आबादी, खाना आबादी, उसको आप खाना आबादी कह लीजिए या 2-3 और नाम भी हैं। क्या है? बता देना क्या नाम है जी। मैं बिल्कुल सितारा शनास हूँ, बाद में बता दूंगा, लेकिन उनकी 4-5 हफ्ते आने वाले जो हैं वो उनकी प्रपोजल आने का बहुत ज़्यादा अमकान है। 29 जनवरी तक अमकान है। अगर ये शादी में दिलचस्पी लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, चाहते हैं, अब मौका है। इन प्रपोजल से सब प्रपोजल को ज़रा अच्छी तरह जांचें, परखें और उसके बाद फैसला करें। बाद में ना कहना ओ जी हमारी शादी में रुकावट आ गई है, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। हेयर यू आर, 4-5 हफ्तों में ये सिलसिला रहेगा। अच्छा, एक आ सकती है, दिखती है, दो आ सकती हैं, चॉइस आ सकती हैं। प्रपोजल का प्लानट जो है वो वाजह आया हुआ है, जहाँ तक जोजी हजरात का, यंग नौजवान जोजी हजरात का तलक है। ठीक हो गया। तो ये सिलसिला 29 जनवरी तक रहेगा। और कारोबार, अगर वो कारोबार वगैरह भी ठीक ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं नजर आती जो इनको मुताबले जिक्र हो, जो जी वो सब मामला हेल्थ ठीक रहेगी। अब ज़ाहिर है प्रपोजलों वाली बात है तो हेल्थ तो बहुत ही अच्छी होगी। मच्छा मच्छा नाच दी फिरा, जिनी तौर पर बहुत तेजी रहेगी। ठीक है, अब आ जाए जनाब कैंसर पर, सरतानी हजरात। हाँ जी, सरतानी हजरात के लिए सर ये है कि आपकी अजवाजी जिंदगी में अक्सर तू मैं ये अक्सर रहता है, ये सिलसिला तू मैं वाला, और आप अक्सर ज़रा सी बात को बतंगड़ बनाकर अपनी अजवाजी ज़िंदगी को ख़राब करते रहते हैं। मैं आपको ये वाजह बता रहा हूँ कि अब चांस आ गया है, और ये चांस जो है 6 मार्च तक आपकी मदद करेगा। आप अपनी अजवाजी ज़िंदगी को समझें और इस हसासियत से जान छुड़ाएं। सितारे ऐसे लगे हुए हैं कि 5-6 मार्च तक अजवाजी मामलात को खुशगवार बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप अपनी असासियत को दफ़ा करें और इन मामलात को हकीकी नज़र से देखें, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी अजवाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक आपकी मरीख का तलक है, जो कि तब्दीली हुई है, आज ही से तब्दील हो रहा है 5-6 हफ्तों के लिए, तो जो मरीख है वो आपकी काफ़ी मदद कर रहा है। एक तो आपकी सेहत बहाल होगी, दूसरा ये है कि आप कारोबारी तौर पर कोई नया कदम उठा सकते हैं। अच्छा, चांस है नए कदम की? हाँ जी, अगर आप उठाएंगे तो मरीख आपकी मदद करेगा 3-6 मार्च तक। इस सिलसिले में आपकी तवानाई में इजाफा हो रहा है, आपकी खुद दमादी में भी इजाफा हो जाएगा, और आप अपने आप को एक नया एहसास होगा, और अजवाजी ज़िंदगी को ठीक करने का चांस है, इससे फ़ायदा उठाएं, और वरना बाद में फिर वही आपकी असासी है तो वही आपके अजवाजी किस्म की तलखियां और झगड़े वो सामने आ सकते हैं। जी सामने आ सकते हैं। मैं आगे चल सकता हूँ जी? लियो असदी हजरात। हाँ जी, ये जो लियो हजरात हैं, इनकी तख्लीकी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। पहले भी इनकी तख्लीकी सलाहियतें जो अरूज पर हैं। अच्छा, अब जो प्लैनेट आ गए वो 5-6 हफ्तों के लिए इनकी तख्लीकी सलाहियतों में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, बशर्ते कि यह तख्लीकी सलाहियतों को सही तरह इस्तेमाल करें। कई दफ़ा जल्दबाजी में हो सकता है वो तख्लीकी सलाहियतों का सही फ़ायदा ना उठाएं, ना उठा सकें। नए सब्र व तहम्मुल से अपनी तख्लीकी, ठंडे दिलो दिमाग से अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूकार लाइए, और इसमें आपको मज़ीद आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। साथ ही साथ ये जो अगले 4-5 हफ्ते हैं, रोमानवी तौर पर आपके हक में आ रहे हैं। अच्छा, आप महसूस होगा आपको कि आप इस सिलसिले में आपकी तबीयत में तेज़ी आ जाएगी या रोमानी मामलात में तेज़ी आ जाएगी, और जो आप चाहते हैं आपको मिलने का इम्कान। लेकिन इस तेज़ी में
तेजी में अगर आपने बगैर सोचे समझे कदम उठाया तो इसका उल्टा असर होगा। कॉशियस, आप कदम उठाने के लिए मुतासर करेंगे दूसरों को, लेकिन तेजी से कदम उठाने से आप मुतासर नहीं कर पाएंगे, उल्टा नुकसान हो सकता, नुकसान होगा। तो ज़रा इन मामलात में फ़ायदा उठाएं। ये बाद में ये जो मरीख है आपके रोमांस के घर में आया है, ये 2 साल बाद आएगा। अच्छा, तो फिर 2 साल लंबी नहीं, और प्लैनेट भी मदद करते रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मरीख की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये फिर 2 साल बाद आएगा, और ये जो मामलात आप अभी जिनको संभाल सकते हैं उनको संभालने की कोशिश करें। आपकी रोमानवी ज़िंदगी मुझे, अगर आप सोच समझ से काम लें तो आके हक में है। अच्छा, आ जाएं जी। और अगर आपने अपने अनाज से काम लिया तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाँ जी, बाद में फिर आ जाएं जी। विरगो, सुम्बला जी, मैं सुम्बला की तरफ आ रहा हूँ सर। सुम्बला के जो वाक़ात हैं वो उनके चौथे खाने में मरीज दाखिल हो रहे हैं। अगर सुम्बली अदात अपने घरेलू प्रॉपर्टी और खानगी अमूर में दिलचस्पी ले रहे हैं तो ज़रा अपने यहाँ पर कंट्रोल करके लें। आप सबको बिठाएं, अपने खानगी घरेलू प्रॉपर्टी के मामलों को बड़े सोच समझ के ठंडे मिजाज से। लगता ये है कि आप में चिड़चिड़ापन या गुस्सा आएगा। अगर आपने गुस्से से काम लिया तो आप फिर वो खातर खा नतीजे हासिल नहीं कर पाएंगे जिनकी आपको ख्वाहिश है, लेकिन प्लैनेट आपकी मदद करने को आ गए हैं। आप घरेलू मामलों में पहले भी दिलचस्पी ले रहे हैं, उसको बेहतर बना रहे हैं, तो अभी मज़ीद ये इस प्लैनेट में आपको तकवीत मिलेगी, और बड़े ठंडे दिल दिमाग से अपने प्रॉपर्टी के घरेलू मामलात हल करें, इससे आपके लिए बेहतर आ रही है। जहाँ तक आपके रोमानवी मामलात के तल्लक है, ये हमेशा आपके हक में रहते हैं, हमेशा। पिछले कई सालों से आप ज़रा अपनी ज़िंदगी पर, अपने वाक़यात पर निगाह डालिए, आप महसूस करेंगे कि रोमांस इधर उधर से आता ही रहा है। आपको जो आप चाहते रहे मिलता ही जो सितारा लग रहा है वो आपके लिए इम्तिहान का बहस बनेगा। अच्छा, आपके पांचवें खाने में प्लूटो और जो जोरा है वो इकट्ठे हो रहे हैं आने वाले 1-2 महीने के लिए। तो ये जो जोरा है ये रजत में चला जाएगा, आपके पांचवें खाने में होगा। अच्छा, तो आप औलाद के लिहाज से, रोमांस के लिहाज से ज़रा अपने आप को संभाल लें। ये जो कुछ आपने पिछले 2-3 साल में किया है वो अपनी जगह, लेकिन आपके लिए 3-4 हफ्ते बड़े अहम आ रहे हैं। बी केयरफुल, आप अपने मामलात को समझें। क्या आपको रोमानवी मामलात करने चाहिए? क्या जो कुछ आपको पेश हो रहा है या मौके आ रहे हैं, क्या आपको फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या आपके कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो आप पर नज़र रखते हैं? तो आप इन मामलात को अच्छी तरह सोचें समझें। ख़ास तौर पर औलाद के बारे में आप कोई फ़ैसला कर गए, और ये 3-6 मार्च तक सितारा है, 6 मार्च तक, तो औलाद के बारे में जो आप सोच रहे हैं, समझते हैं, उसको अपने अच्छी तरह सोच लें और फिर उसके बाद फैसला करें। लिब्रा, मीज़ान। हाँ जी, अब मैं मीज़ान की तरफ आता हूँ, और मीज़ान के जो प्लैनेट हैं वो इनको जो करीबी लोग हैं उनके साथ, जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ मीज़ानी अफराद के हवाले से, जो इनके बहुत ही करीबी लोग हैं, वो कोई तेज़ तरीन किस्म के लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, एक प्लैनेट उनकी मदद करेगा पूरे साल, लेकिन ये जो वक्ती तौर पर तेज़ तरीन लोग दाखिल हो रहे हैं या आप उनको दाखिल करना चाहते हैं, वो ज़रा सोच समझ कर उनको करीब लाइए। वो क्या करेंगे अगर आप सोचे समझे बगैर करीब आ गए? आपके एतमाद पर पूरे नहीं उतरेंगे। अच्छा, तो आप पहले से सोच लीजिए और इन करीबी लोगों से इनको पहचानने की कोशिश करें। पहले जो करीबी लोग आपके काम की जगह आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको बड़े धोखे दिए हुए हैं, आप उनको समझें या ना समझें। वो पिछले 1-2 महीने तक मैं यही शोर डालता रहा हूँ कि आप उनसे बचे, धोखा देते रहे हैं जी। अब फ़र्क ये है कि एक अच्छा आदमी दाखिल हो रहा है आपके घरेलू आपकी काम की जगह। अच्छा, बहुत अच्छा आदमी दाखिल हो रहा है, गुड। वो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि मुझे एक अल्लाह ने ऐसा काबिल एतमाद दोस्त या काबिल एतमाद तल्लक पैदा हो गए। लेकिन जहाँ तक दूसरे लोगों का तल्लक है जो कि अपने गरज के लिए दाखिल हो रहे हैं और तेज़ी से दाखिल हो रहे हैं,
आप महसूस करेंगे कि ये लोग तेज़ी से आ जा रहे हैं, नंबर वन। नंबर दो, आपके दिमाग में पहले से ज़्यादा तेज़ ख्याल आएंगे। अच्छा, तो आप उन ख्यालात को एडिट करें, समझें कि इनमें से कौन सी बात करने वाली है, कौन सी जल्दी से मेरे दिमाग में आकर दाखिल हो गई है। तो आप इन ख्यालात का भी जायज़ा लें, आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे और आने वाले 5 हफ्तों में ज़हनी तौर पर जो आपको अल्लाह ने तेज़ी दी है, इसे मुश्किल से मुश्किल मामलात हल करें। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स मदद करेंगे और कुछ ऐसे ख्यालात भी आएंगे जिनको आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इतनी जल्दबाजी में इनको तशतमाम ना कर दूँ। अच्छा, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने ज़हनी ज़िंदगी को पर नज़र रखें और मशावरत से जो अच्छे ख्यालात हैं उन पर अमल करें। जो लोग दाखिल हो रहे हैं उन पर आप ज़्यादा नज़र रखें, उनमें कोई तेज़ तरीन आ रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन होगा, समझें कि ये कौन दाखिल हो रहे हैं। और एक आदमी ऐसा भी दाखिल हो रहा है जो हेल्पफुल है बड़ा, जो अल्लाह ताला आपकी जिसकी ख्वाहिश है या जो ऐसा होना चाहिए होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, कोई बात मीज़ानी अफराद की और आप ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल है जी, कि पिछले 2-3-4-5 हफ्तों से इनकी रोमानवी लाइफ बहुत तेज थी, बहुत तेज थी। अच्छा, कई लोग उनको अपनी लव के बारे में दाना सिट रहे हैं, बहुत सारे लोग। वेल, अगर ये मुहावरा इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ओके। तो ये इनकी लाइफ तेज थी, कई लोग आए, रोमांस बहुत ज्यादा तेज हो रहा था। रोमानवी अपनी मिजानी अफराद, आपका रोमांस जो है बड़े इम्तिहान में दाखिल हो गए। अच्छा, मतलब तेजी अभी रहेगी आप कह रहे हैं? आप बच करें और अपना जरा सोच समझ कर बचाएं भाई अपने आप को और सोच समझ कर फैसला करें। अच्छी सूरत भी हो सकती है, बट प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि एहतियात का दामन मत छोड़ें। स्कॉर्पियो जी, अकरब स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो सर, ये इनके ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी आई हुई थी पिछले 5 हफ्तों से। ये खुद समझते होंगे, महसूस करते होंगे कि मैं जिस तरफ मैं जो कुछ सोचता हूँ उसको करने के काबिल हूँ। प्लानट साथ थे, ज़िंदगी सरगर्म थी, रोमांस सही मैंने में रोमांस था, मगर अब ये लाइफ चेंज हो रही है आज से। अच्छा, आज से आपको अपने माली मामलात को बड़े ध्यान से सोच समझकर हल करना होगा। अगर आपने, जैसे कि आपकी आदत है, आप खतरात की परवाह नहीं करते, आप जोश में आकर फैसला कर देते हैं, अब अगर आपने आइंदा आने वाले 4 हफ्तों में अपने माली मामलात में कोई ऐसा ज़ोरदार फैसला कर डाला तो आपको महंगा पड़ेगा। तो अपने स्लो डाउन माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें और जल्दबाजी से, जो कि आप जल्दबाजी से आपको अल्लाह रोक नहीं सकता, इंसान तो इंसान रह गया, तो आप अल्लाह की माने और जल्दबाजी ना दिखाएं, माली मामलात ख़राब हो जाएंगे। इनमें तेज़ी किसी सूरत आपके लिए जायज़ नहीं और एहतियात से काम लें। बाकी जहाँ तक आपका कुछ करीबी लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है, करीबी रिश्तेदारों से, वो आपके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, आप उनके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, वो आपको होशियार समझते हैं, आप उनको अपना मध्य मुकाबल समझकर उनके आमने सामने हैं। अच्छा, तो ये सूरत हाल, इसमें आपको मज़ीद मदद मिल सकती है, इसको समझने की कोशिश करें। एक प्लैनेट ऐसा आ गया है कि मुमकिन है आपके रिश्तेदार कदम उठाएँ, मुमकिन आप कदम बढ़ाएं, तो ये रिश्तेदारों से मामलात अगर हल हो सकता है तो आप इसको करें, आपको ये चांस है और ये चांस अगले 5-6 हफ्ते है, अल्लाह आपकी मदद करे। आगे मैं आता हूँ सेजिटेरियस जी, सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस के अपने घर में मरीज आ गया है, पिछले 4-5 हफ्ते उनकी सेहत पर असर था, दबाव था, और जो बदखा लोग हैं वो अपनी तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वो प्लैनेट आपके छोड़ गए। आज से आपके अपने खाने में मरीख आ गए, मरीख के आने से आपकी तवानाई में इजाफा होगा, मरीख के आने से आपकी सेहत पहले के बनस्बत बेहतर हो जाएगी, मरीख के आने से अब जो बदखा आपके ख़िलाफ़ काम करते रहते हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकेंगे, तो आपकी तवानाई में इजाफा हो रहा है, खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, और आप ज़िंदगी को नहायत ही जोश व खरोश से
गुथम गथा हो सकते हैं और इस सिलसिले में आप अपना मामला प्रोफेशन जॉब वो मामला ठीक है सारे? हाँ, प्रोफेशन में पहले बदखा जो है वो नुकसान पहुंचा रहे थे उनके प्रोफेशन में, अब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और प्रोफेशनली इनकी लाइफ जो है अब बेहतर हो जाएगी। सेहत ठीक नहीं थी क्योंकि आप बता रहे थे सेहत के हवाले से पिछले कई हफ्तों से आपने बताया कि ये बिल्कुल असर था, लेकिन आज से उनकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप महसूस करेंगे खुद एतमादी, तवानाई में इजाफा हो जाएगा और इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जब खुश एतमादी हो तो तवानाई में इजाफा हो जाए, आदमी कदम उठाता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो आपके बुरे प्लैनेट कौसी हजरात निकल गए हैं, आपके जो जात जो पसे पर्दा बदखाओं ने जो कुछ करना था वो कर चुके और आप उनसे अगर बच गए हैं तो आगे हम आपकी लाइफ में जो तेजी आ रही है अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपकी सेहत पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। रोमांस में जरा जल्दबाजी से काम ना लें और आप रोमांस में इतनी दिलचस्पी अगर लेनी है तो उसमें जल्दबाजी आपके खिलाफ काम करेगी। जल्दबाजी ना करें रोमांस में, बड़े ठंडे मिजाज से आहिस्ता आहिस्ता। कैप्रिकॉन जद्दी हजरात, कैप्रिकॉन के हजरात जो हैं इनके लिए एक बहुत बुरा प्लेनेट आ गया है। वो जितना पिछले 4-5 हफ्ते मैं कहता रहा हूँ कि बेहतरी है, यूं हो सकता है, इस तरह करें, वो प्लेनेट चला गया है। अच्छा, आप कोई भारी प्लेनेट आ गया? अब जो प्लेनेट आ गया है जद्दी हजरात, आपके जो खुफिया दुश्मन हैं अब वो तेज़ हो रहे हैं। पसे पर्दा जो कुछ लोग आपके खिलाफ करना चाहते हैं अब वो अगले 4-5 हफ्तों में पसे पर्दा आपके मामलात, आपके जो पसे पर्दा दुश्मन हैं वो ज़्यादा सरगर्म हो रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, आप पर दबाव रहेगा, तो आपको अपने आप को संभालना होगा और जहाँ तक हो सके अपनी सेहत की जितनी कदर आप कर सकते हैं करें और ज़रूरत ज़्यादा सरगर्मी ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, उसके अलावा आपके अपने खाने में एक रोमानवी माहौल बना पड़ा है। ये जो रोमानवी माहौल है ये अगले 5-6-7 हफ्तों तक रहेगा, 6 मार्च तक। बड़ा छोटा सा रोमांस है, 6-7 हफ्ते तक रहेगा तो इतना ही रहता है, जब तक प्लानट रहना है उतना ही कहना पड़ता है। तो आप इस सिलसिले में कई प्लानट तो आते हैं सारी जिंदगी में पड़े रहते हैं फिर जाते ही नहीं है रोमांस के, शादी वादी हो जाए प्लानट चला जाता है, आदमी नहीं छोड़ता। ओहो, वो आदमी प्लानट बन जाता है फिर। कमल कहता है छोड़ो मुझे, आदमी कहता है नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तो ये रोमानवी असरात इस तरह होते हैं। तो आपकी जिंदगी में जो रोमांस है वो लंबा चौड़ा है, आगे 2-3 महीने रहेगा, ठीक है। लेकिन इस रोमांस में आप किसी खुशफहमी में गिरफ्तार ना हो, मौके मिल रहे हैं, मौके मिलने के साथ साथ आप अपनी तबीयत अपने मिजाज के बारे में याद रखें, नहीं तो अफारा होने का भी अंदेशा है। तो इन मामला से अगर आप फायदा उठा सकते हैं वो विश्व बेस्ट आ जाए जी। अब जरा बड़ा अहम प्लेनेट है एक्वेरियस, दलवी हजरात। एक्वेरियस हजरात, आप अगर नौजवान एक दलव हजरात के बारे में मैं ये अर्ज करूँगा कि अगर आप अच्छा मिनट 2 रह गए, हमने एक्वेरियस भी ख़त्म करना है और पाइसेस भी, तो मैं जितना जल्दी जल्दी करें तो आप रवानी मामलात में पसे पर्दा, अगर आपके रवानी मामलात आप पसे पर्दा चले जाएंगे, आप लोगों को शोर नहीं करना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने पसे पर्दा कोई रवानी मसला जो है उसको घसीटा हुआ है और ये आने वाले 5-6 हफ्तों में आपकी ज़िंदगी ख़राब करेगा, इसको संभाल के रखें। बचें वरना रुसवाई होगी, मामलात खराब होंगे, रुसवाई से बचें, संभाल के रखें। अब आ जाएं पाइसेस पे, आपके दोस्त अहबाब आपके बहुत काम आने वाले हैं, अब पाइसेस पे आ जाएं क्योंकि वो बहुत इतराज करते हैं। पाइसेस रात की जिंदगी में 28 दिसंबर से बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। अच्छा, और वो महसूस करेंगे कि उनकी जिंदगी में पै दर पै अगले पूरा साल अच्छे वाकयात होते रहेंगे। अच्छा, उन अच्छे वाकयात को ये संभालेंगे तो बेहतर रहेगा, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। रोमांस कैसा रहेगा? रोमानी मामला जहाँ तक उनका तल्लक है वो कुछ अरसा के लिए ठीक नज़र आते हैं, लेकिन वो सारे साल वो जुलाई तक ठीक नज़र आते हैं। अच्छा,
जुलाई के बाद फिर लड़ाई झगड़ा, लड़ाई का लफ्ज़ मैंने नहीं इस्तेमाल किया, आपने किया है। तो वो जहाँ तक उनकी बेहतरी का तल्लक है, जुलाई तक फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, अच्छे हालात रहेंगे। और फाइनेंशियल हालात इनके जी, फाइनेंशियल हालात उनके लिए अप्रैल से बहुत बेहतर शुरू हो रहे हैं, बेहतर शुरू हो रहे हैं, आए दिन बेहतर से बेहतर हालात होते जाएंगे, ठीक हो गया। और जहाँ तक उनका इज़दवाजी ज़िंदगी का तल्लक है, सिलसिले में एहतियात से काम लें।